साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। भाई आज अपन बात करेंगे, अभी तो एक ही ऑप्शन बचा है, फ्लाइट कब ओपन होगी, एयरपोर्ट कब ओपन होगा। हर आदमी की हर तरफ से एक ही सवाल निकल के आ रहे हैं। इस टॉपिक में हम लंबे तो 5-7 मिनट का इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट खोलना सरकार के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या कंडीशन है, क्या रीज़न है जिस वजह से लॉकडाउन से पहले भी गवर्नमेंट को, केंद्र गवर्नमेंट को एयरपोर्ट खोलने पड़ सकते हैं। जी हाँ साथियों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे। इससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर मिल सके। तो भाई आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं इंडिया में कोरोना की क्या स्थिति है। तो भाई कोरोना के मरीज आपको पता है बढ़ते जा रहे हैं, 28,000 प्लस आज की डेट में, 27 अप्रैल तक की डेट में 28,000 प्लस मरीज अभी तक कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। इनमें से लगभग 900 के करीब डेथ हो चुकी। तो कोरोना की स्थिति नाजुक है अगर देखा जाए उस तरीके, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए था, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। अब साथियों अपन बात करेंगे, मेजर पॉइंट निकल के सामने ये आता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिन वजह से एयरपोर्ट खोलना सरकार की मजबूरी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ सकता है या दखल दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे रहा है, गवर्नमेंट से पूछताछ कर रहा है कि भाई एयरपोर्ट कब खोलोगे, उन लोगों का क्या होगा। इस पांच टॉपिक पे मैं बात करूँगा इस वजह से ये खोलना गवर्नमेंट की मजबूरी है। देखिए सरल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए इंडिया के 135 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन है, उनमें से चार करोड़ से प्लस लीगल लोग जो एम्बेसी के रिकॉर्ड के अनुसार 4 करोड़ लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, ठीक है। उनमें से 1 करोड़ पॉपुलेशन तो ओनली फॉर गल्फ में है, जिसमें दुबई, कतर, मस्कत, ईरान, कुवैत जी, बहरीन वगैरह जो भी कंट्री हैं, इनमें से लगभग 1 करोड़ की पॉपुलेशन है जिनमें से 90% लोग मजदूरी करने के लिए वहाँ पे गए हुए हैं, 10% बिजनेस वाले या वहाँ पे रेजिडेंस लेके रहते हैं या और अलग से कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनमें बात कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं 3 करोड़ के लगभग लोग यूरोपीय कंट्री में, यूएसए में, यूके में, यहाँ के लोग अपने इंडिया के लोग 3 करोड़ की पॉपुलेशन है जो इन कंट्रियों में 50-60 कंट्रियों में रहती है, जिसमें जॉब वाले भी हैं, विजिटर्स भी हैं, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंडीशन में, स्टूडेंट इंडिया के बहुत हैं जो बाहर की कंट्रियों में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेसमैन है, रेजिडेंशियल वगैरह वगैरह। तो ये 4-4.5 करोड़ की पॉपुलेशन है जो इंडिया के बाहर रहती है। अब इनमें से अगर छोटा सा आंकड़ा हम लेके चलें कि भाई लॉकडाउन को आज हुए लगभग 1.5 महीने से प्लस होता जा रहा है, नहीं इधर से उधर, नहीं इधर से कुछ भी नहीं हो रहा है, विदेश का मैटर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को अगर इनमें से 5% 100% में से, मैं सिर्फ 5% की बात कर रहा हूँ जिनको मेजर प्रॉब्लम हो सकती है, अगर इंडिया में प्रॉब्लम सबको होती हैं तो क्या विदेश की धरती पर जाने से नहीं होगा। जिनमें से लोग बीमार भी होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग भी होते हैं, महिलाएँ भी हैं जो प्रेग्नेंट भी हैं, ठीक है, और जो बीमार भी हो रहे हैं, जिनके किसी के घर में कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारी अगर 5% भी प्रॉब्लम अगर लोगों को देखा जाए तो सीधे सीधे 20-25 लाख लोगों का एवरेज बैठता है। जी हाँ साथियों, यानी 20-25 लाख लोग तो ये हैं जो इनको आना ही आना है इंडिया, इनको विदेश से मतलब कोई मैटर नहीं है, मेजर प्रॉब्लम है, इनको आना पड़ेगा, इनकी मजबूरी है। बाकी बहुत सारे लोग वो भी हैं जो बहुत टाइम से बैठे हैं, कमाने के लिए गए थे, जो इंडिया आना चाह रहे हैं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया, उनका टिकट एक्सपायर हो गई, उनका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, उनके पास खाने के पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, बहुत वो परेशानी में है। तो कहने का मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से लोग गुजर रहे हैं, हालांकि ये प्रॉब्लम सबके साथ है, अगर इनके साथ होती तो बड़ा इश्यू बन सकता था, लेकिन सबके साथ है तो इसको इतना तवज्जो नहीं दी जा रही है, बाकी प्रॉब्लम तो है। आगे हम बात करते हैं साथियों कि क्या इंडिया में लोग बीमारी से या नॉर्मल तरीके से डेथ होती है, तो क्या इंडिया के लोग बाहर गए वो उनको डेथ नहीं होती। 4 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर 0.10% भी लोगों को दिक्कत होती है तो वो कितने में जाती है, हज़ारों में जाती है, हज़ारों मौत। यानी कहने का मतलब है नॉर्मल डेथ भी हो सकती है, किसी को विदेश में बैठे हुए हार्ट अटैक आ गया, एक्सपायर हो गया, तो उनकी बॉडी तो इंडिया आनी है ना, घर वाले वेट कर रहे हैं, बीमार हो गया, किसी को ऑपरेशन करवाना है, इंडिया आना है बहुत, यानी अगर वो इंडिया नहीं आएगा तो मर जाएगा, स्थिति ऐसी होती है। कोरोना की वजह से क्या इंडिया में लोग मर रहे हैं, विदेशों में तो सबसे ज़्यादा मर रहे हैं यूके में, तो क्या इंडिया का आदमी यूके में नहीं रहते, यूएसए में नहीं रहते, वहाँ पर भी तो इंडिया के लोग रहते हैं ना, उनको भी कोरोना अगर वो पीड़ित हैं तो वो मरेंगे, श्योर है। उनके शवों को अगर डेड बॉडीज को इंडिया लाना पड़ेगा, मजबूरी होगी। तो कहने
कहने का मतलब ये बहुत पाँच ये 0.10% की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम आ रही है। अब बात करें कि आज से चार दिन पहले दुबई से 3 डेड बॉडीज आई थी, उनको इंडियन गवर्नमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वापस कर दिया कि गृह मंत्रालय से लिखावट में लाओ। तो कहने का मतलब ये प्रॉब्लम वापस वो 2-4 घंटे में वापस दुबई पहुँच गई वो बॉडीज़। तो कहने का मतलब है ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट को सख्ताई से निपटते हुए एयरपोर्ट खोलने पड़ेंगे, ये मजबूरी हैं और वो ये विश्व स्तर की मजबूरी है, इसको हल्के में नहीं ले सकती गवर्नमेंट। इसी वजह से गवर्नमेंट ने फैसला किया, हो सकता है लॉकडाउन से पहले एयरपोर्ट खुल जाएं जिनमें उन 0.10% लोगों को तवज्जो दी जाएगी जो सख्त बीमार हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो वहां पे बाहर की दुनिया में लोग एक्सपायर हो चुके हैं, चाहे वो कोरोना से हो चाहे वो नॉर्मल बीमारी से हो। इस वजह से दिल्ली या फिर बॉम्बे, महाराष्ट्र, गोवा या फिर पुणे ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट गवर्नमेंट को खोलने की मजबूरी रहेगी। तो साथियों मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि एयरपोर्ट खोलना क्यों ज़रूरी है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इस जो मैंने 3-4 रीज़न बताएं, इस वजह से गवर्नमेंट को बहुत जल्द ये फैसला लेते हुए एयरपोर्ट खोल के और सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा और शायद ये लॉकडाउन से पहले हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन वीडियो यहाँ पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।